चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां कमलनाथ समर्थक विधायकों के अब सुर बदल गए हैं। परासी विधायक सोहनलाल वाल्मीकि की अपील, कमलनाथ कांग्रेस को मजबूत करें। तो देखिए किस तरह से अब एक के बाद एक जो बयान है वो पलटते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब सज्जन सिंह वर्मा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मान सम्मान और स्वाभिमान जब ठेस पहुंचती है इस पर तो बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं आता है। और अब देखिए विधायक का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ कांग्रेस को मजबूत करें। दिनों से लगातार माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें चल रही थी। मैं तो यही कहूंगा माननीय कमलनाथ जी से कि आपने हमेशा कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया है, माननीय नकुलनाथ जी ने कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया है, इस देश के लिए आपने मजबूती के लिए काम किया है और पूरे देश के अंदर में आपके लाखों समर्थक आपके साथ में है और छिंदवाड़ा जिले की जनता आपके साथ में है। मैं माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि आपकी आस्था और आपका भाव हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। माननीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपको तीसरे बेटे के रूप में छिंदवाड़ा में प्रस्तुत किया था और वही आस्था आज भी आपके प्रति छिंदवाड़ा जिले की जनता के साथ में है, आपके साथ में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कमलनाथ जी के जिस मजबूती से आपने कांग्रेस में काम किया है पूरी जिंदगी भर, आगे भी आप कांग्रेस का नेतृत्व संभालें, काम करें और हम लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करेंगे और माननीय नकुलनाथ जी को चिता के लाएंगे। मैं माननीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि आपका नेतृत्व में हमेशा हम लोग रहें, आगे भी कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे आपके नेतृत्व में, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद। आप जानते हैं कुछ दिनों से लगातार